नमस्कार, मैं हूं आपका सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। द लोकल न्यूज़ पर क्राइम स्टोरीज दिखाने का मकसद किसी अपराध या अपराधियों को बढ़ावा देने का नहीं है, बल्कि हम उनके साथ होने वाले गंदे बर्ताव और उनकी गंदी ज़िंदगी और उनके परिवार ने जो परेशानियां झेली हैं और वर्तमान में जो उनकी परिस्थितियां कितनी गंदी हैं, वो सब दिखाकर हम युवा वर्ग को संदेश देना चाहते हैं कि वो अपराध की दुनिया में कदम ना रखें। उसका अपराध की दुनिया का अंजाम बुरा होता है। क्राइम स्टोरीज में जिस अपराधी रहे अंग्रेज़ कादियान के बारे में हम बताने जा रहे हैं, वो किसी समय हरियाणा का बहुत कुख्यात बदमाश रहा, लेकिन आज उसकी हालत बहुत दयनीय है। हम दिखाना चाहते हैं कि अपराध के जीवन से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है, हासिल हुआ है तो एनकाउंटर मौत, इससे ज़्यादा आज तक कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो साथियों, इस गैंगस्टर की पूरी कहानी जीवन की जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल एपिसोड की ये पूरी वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपका सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हो द लोकल न्यूज़। पिछली स्टोरी में हमने बताया हरियाणा के बहुत बड़े गैंगस्टर रोहतास उर्फ ताशी, जो कि पानीपत के गांव सिवा से संबंधित थे, और आज हम आपको अपनी क्राइम स्टोरीज़ में बताने जा रहे हैं, आपको बकायदा मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर से जो पूर्व में गैंगस्टर रहे और वर्तमान में अब सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सिवा गांव के ही अंग्रेज़ कादियान, जो कि रोहतास उर्फ ताशी के छोटे भाई हैं, और इन पर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, वसूली, उगाही, मंथली और भी पता नहीं न जाने कितनी धाराओं में इन पर मामले मुकदमे दर्ज हुए। और आपने फिल्मों में सुना होगा 10 नंबरी, जैसे 1 नंबरी, 2 नंबरी, 10 नंबरी, जो पुलिस विभाग के अनुसार होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हैरान हो जाओगे कि ये पानीपत जिले के 20 नंबरी है। मतलब वो क्राइम की डायरी इनकी इतनी फहरिस्त इतनी लंबी है कि ये पुलिस विभाग में 20 नंबरी हैं। तो आज आप हमारे साथ मौजूद हैं सिवा गांव के पूर्व में कुख्यात गैंगस्टर रहे अंग्रेज़ कादियान जी। जी अंग्रेज़ कादियान जी, स्वागत है आपका द लोकल न्यूज़ में। नमस्कार, मैं अंग्रेज़ सिवा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पर कैसे कैसे मुकदमे आप पर दर्ज हुए और कुल आज तक आपकी लाइफ में आप पर कितने मुकदमे दर्ज हुए? टोटल केस तो 42 हैं जो बरी हो गए हैं फिलहाल। अच्छा, बाकी स्टार्टिंग में केसों में बरी हो गए कि कोई केस ऐसा भी था जिसमें आपकी सज़ा हुई हो? हाँ, दिल्ली डकैती मर्डर था, उसमें सज़ा हो गई थी मेरी। अच्छा, कौन से सन में थी सर वो? सर 99 की बात है। अच्छा अच्छा, और कौन कौन सी मामलों में आप पे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए? 95, 97, 307, 302, 379 भी हैं, आर्म जैक्ट वगैरह भी हैं। 1999 की सबसे बड़ी डकैती अंग्रेज़ कादियान, उसमें अरेस्ट हुए, इन पे चार्ज फ्रेम हुआ, केस चला और इनको सात साल की कैद भी सजा सुनाई गई, और क्योंकि डकैती के साथ मर्डर भी हुआ था। और अब हम इनसे जानेंगे कि कैसे इनकी शुरुआत हुई, ये कैसे इस अपराध की दुनिया में इन्होंने कदम रखा, क्या वजह रही, क्या कारण रहे। जी ऐसा हुआ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की मैंने स्टार्टिंग में, तो फिर मैं 10th में गांव के स्कूल में पढ़ने लग गया, तो पेपरों में कोई लव लेटर था जेब में, वो बैड करेक्टर लिख दिया, फ्लैंग ने चेक कर लिया था, तो कंपार्टमेंट का पेपर देने आ रही कॉलेज में गया, तो वहाँ पर एक बड़े गाँव का सरपंच का लड़का मर गया झगड़ेबाजी में, उसका मर्डर कर दिया। हाँ, 302 लग गई वहाँ पर। जेल वेल में कई शौक हो गया भाई, रोहतास क्राइम में पहले से इन्वॉल्व थे, तो उनके साथ जुड़ने का शौक रहा, तो बाहर आते ही उनके साथ कुछ वारदातें की 95, 97 वगैरह, 1, 2, 307 की, फिर जेल में चले गए, तो दिनेश मिल गया अपने भाई चुलकाना से। तो आपके जो भाई थे रोहतास उर्फ ताशी, उन्होंने आपको अपने साथ लिया या फिर कोई ऐसी मजबूरी रही कि आपको उनके साथ जुड़ना पड़ा? नहीं, ऐसा है ना, एक बार मैं गांव में रहता था, तो जो है वो एक नेपाली था उसके साथ, फिटनेस ब्रूसली टाइप का, वो भी पहलवान था रोहतास भी,
उज्जैन गाड़ी ले रहे थे, फायर लिखवा रखे साइड में। मुझे शौक हुआ, मैं यार माँ भाई कि कौन है साथ में, बोले नेपाल का लड़का है, बिजली एकदम फिटनेस है ओके वारदात में क्राइम में। तो मैं बोला भाई क्यों ना मैं तेरे साथ में रह लूँगा, छोड़ के भी नहीं भाग सकता, आपस में शौक रहा आपस में लगाव था। तो फिर हम रोहतास बोला भाई ठीक है तू साथ ही चल, उन्हें देखा भाई हाँ दिल से साथ में। तो प्रदीप हो गया था गांव का लड़का, मैं और भाई रोहतास हम साथ में लड़के जुड़ते चले गए। 400 बच्चे हो गए थे गांव-गांव के, सारे 400 बच्चे मतलब क्राइम की दुनिया में। हाँ बिल्कुल साथ में थे रोहतास के, बाकी उसके मरने के बाद कंट्रोल होने के बाद फिर सब कुछ फिनिश हो गया बाद में। आप कौन कौन सी जेलों में रह चुके और आज तक की टोटल आपकी कस्टडी जो देखी जाए तो टोटल कस्टडी कितने साल रहे हैं आप जेल में? सुधीर भाई ऐसा है मैं 9-10 जेलों में घूम चुका हूँ, हरियाणा दिल्ली यूपी पंजाब। हाँ क्राइम भी 42 हैं टोटल, ज़्यादा थे जेल का मटर था बाड़ा जेल का, एक आर्य कॉलेज का हो गया था स्टार्टिंग में, एक गांव के झमेले में हो गया था वो मैं बताना चाहता। तो एक दिल्ली 50 लाख की लूट की 1999 में, तो जो है वहाँ पर जगतार सिंह ड्राइवर गुजर गया महाराज से गोली लगी पिस्टल की, तिहाड़ जेल रहे थे। हाँ 3-4 साल तिहाड़ जेल भी रहा, टोटल 15.5 साल बिताए मैंने जेलों में जब जाके मेरे 42 केस फाइनल हुए हैं। अंग्रेज कादियान जो पूर्व में गैंगस्टर रहे हैं इन्होंने अपनी जिंदगी के 15.5 साल जेलों में बिता दिए और जेल में भी अम्बाड़ा जेल में इनके ऊपर जेल के अंदर ही एक मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें भी बरी आ गए हैं। हाँ उसमें बरी हो गए। अधिकतर आधे से ज्यादा मामलों में तो कोर्ट ने केवल इनकी जेल की कस्टडी देखकर ही इनको बरी कर दिया गया, तो आजकल फिर क्या कर रहे हैं आप? सादा जीवन बिता रहे हैं, फैमिली के साथ अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है, पहले ऐसे हो जाते ठीक था, गलत चले हम, ये क्राइम का रास्ता तो -0 है रिजल्ट इसका। तो क्राइम क्राइम की जो दुनिया में रहे आप, क्राइम की दुनिया को अपने तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसी लाइफ है, क्या लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए? जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के शौकिया या फिर फेमस होने के या शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, अपना अनुभव क्या बताना चाहोगे? शरीर से फिटनेस है तो अपना काम करो, मेहनत से करो, पैसा कमाओ, फैमिली के साथ समय बिताओ, इससे बड़ा सुकून नहीं है, फैमिली से बढ़कर अच्छी लाइफ बीतेगी। पैसा कमाना है प्यार से कमाना है, छीन का गलत है, हम गलत चले थे, बाद में पछतावा बहुत होया, लेकिन समय गुजर गया, लेकिन और राय यही देंगे अपना ईमानदारी से जीवन जियो, किराए में कुछ नहीं है -0 है, फ्यूचर दुश्मनी बन जाए बहुत गलत है, कर जाते हम बाद में फैमिली परेशान होती है, गलत है ये, सबको राय यही है भाई कि गैंग को दुश्मनी लग जाए निभानी पड़ती है वो अलग बात है, अपने शौकिया तौर पर किराए में घुसना बहुत ही गलत है, रिजल्ट 0 इस चीज़ का। जेल का क्या रहता है कि 15.5 साल आपने अलग अलग भागों में अलग अलग जेलों में आपने बिता दिए, तो जेल जेल से डर नहीं लगता ना? हमारे लिए तो नॉर्मल बात है ना, हम तो इसको जैसे गोवा वगैरह कहीं टूर पर घूमने चले जाएं, हम तो इसे को ऐसे मानते हैं, तो थोड़ा ड्रग्स शौकीन नशे कर लें तो इससे हमें राहत मिलती है, जब हम जेल में जाते हैं शरीर दोबारा फिटनेस में आ जाए हमारा। हाँ काफ़ी अच्छा है, हमारे 5 साल बढ़ जाए लाइफ के, लेकिन आजकल तो नशों से भी दूर हैं, गलत नशे नहीं करते हम। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपके भाई बहुत बड़े गैंगस्टर रहे तो आप भी उनके साथ शामिल हो गए, तो उनके एनकाउंटर के बाद आपकी गैंग का संचालन किसने किया? ऐसा था, वो एनकाउंटर के टाइम पे मैं जेल में था, तो कुलदीप कड़वा बाहर था, वो भी रेस्टिंग हो गई थी उसकी भी, यानी कि चार्ज उसी ने संभालना था, हमसे बड़ा था वो, उसका जेल में फिर मर्डर हो गया तो मैं बाहर निकला थोड़े समय बाद। चार्ज मैंने मर्डर किन का हो गया जेल में मर्डर? कोर्ट में हो गया था, कुलदीप का साल हुआ था, वो अपने सीनियर थे भाई रोहतास के साथ ही थे, तो बाहर आके मैंने सोचा मैं तू संभाल ले चार्ज, लेकिन घर की स्थिति नाजुक थी, फिर देखा क्या दुश्मन आई कुछ नहीं, मैं भाई नहीं रहे तो फिनिश कर दिया वहाँ सब गैंग वारा इसी इधर उधर हो गया, वो अच्छा लगा, मैंने सब अपने काम धंधे लग गए, आज करोड़पति हो रहे बालक जिनसे क्राइम में हमारे साथ थे। ये अपराधियों का जो मनोविज्ञान है क्या साइकोलॉजी रहती है कि ये धड़ाधड़ मतलब मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए क्राइम की दुनिया में घुसते चले जाते हैं, लगातार हत्याएं और ऐसे चलता रहता है, क्या क्या लगता है आपको कि क्या दृष्टिकोण रहता है क्राइम क्रिमिनल्स का और क्या उनका मनोविज्ञान होता है?
देखो जी सुधीर भाई साहब, ऐसा है टोटल पॉइंट तो ये है कि नाम के लिए ही करते हैं बच्चे, नाम कमाने के लिए। हाँ, आज का टेक्नोलॉजी है नाम के ऊपर डिपेंड है। पैसा तो फैमिली के पास होता ही बहुत ज़्यादा है, कुछ पैसा ऐसे यूज हो जाए, कुछ आज स्कीम लगा ले, कुछ मतलब दुश्मनाई में साथी को क्राइम करे तो उसके साथ जुड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बनी जाए क्राइम का। लेकिन जहाँ तक 90% कंट्रोल करना चाहिए कि क्राइम की तरफ नहीं जाओ इंसान। अंग्रेज जी, जैसे आज के टाइम में तो हम सुनने में आता है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट करते हैं, जेल से ही मोबाइल फ़ोन रखते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, जेल के फ़ोटो जो डालते हैं, आपके समय में जेलों की क्या व्यवस्था रहती थी? कैसे आप अन्य अपराधियों से जो बाहर जो फरार होते थे या फिर एक दूसरे के पास कोई संदेश ऐसा कुछ पहुँचाना होता था तो कैसे पहुँचाते थे? ऐसा हम उस टाइम पर लेटरों को यूज़ करते थे, आपस में तारीख पड़ती थी इधर से उधर आउट स्टेट की तो उनको दे देते थे, वो जाके अपने साथी को दे देते थे, वो पढ़ लेता था, वो मैसेज वापस भेज देता था। अच्छा, जो पोस्टल लेटर, पोस्टल लेटर का आप यूज़ करते थे, और कौन कौन से ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जिनका उस टाइम जो बहुत कुख्यात रहे, किन किन से आपके संपर्क रहे? हमारे टाइम में उस टाइम अपने तो सोनू है अपने मालपुर से भाई बड़े, तो एक दिनेश चुलकाना अपने केसवार हैं। दिनेश चुलकाना केसवार? हाँ, सोनू भी केसवार है। दिनेश चुलकाना जिनका उनका भी एनकाउंटर ही हुआ था दिनेश गुज्जर के नाम से या दिनेश चुलकाना के नाम से उनको जाना जाता है, तो क्या वो आपके केसवार मतलब आप उनके साथ मुकदमों में रहे? हाँ, 19 केस हमारे दिल्ली के और पानीपत सोनीपत के 7 केस ही दर्ज हैं, 11-12 केस दिल्ली के। दिनेश चुलकाना के साथ आप 19 केसों में केसवार हो? हाँ बिल्कुल हुए हैं, 50 लाख की जो लूट है उसमें दिनेश भी साथ में था हमारे। अच्छा, तो जो है मेरे फिंगरप्रिंट मिल गए थे गाड़ी पर जिसमें से कैश लूटा था, जहाँ बंदा मरा था, तो मेरी सज़ा हुई थी उसमें, लेकिन वो गवाही से मना कर गए थे, इसलिए 7 साल की सज़ा हुई उसमें। कस्टडी मेरी 6 साल 6.5 साल हो गई थी, 6 महीने सजा काटे थे फिर दिल्ली। बाकी और भी कई काफ़ी बदमाश हैं। इन इतने लंबे आप समय जेल में रहे, उस टाइम तो आज के मुकाबले जेलों में इतनी सुविधाएँ भी नहीं होती थी, तो कभी जेल वगैरह से भागने की योजना नहीं बनाई? हाँ, हम तो नहीं भागे, बाकी ना हमारे साथी फुल्ला डिडवा डुल्ला वगैरह काफ़ी कुछ भागे हैं, भगता अपना पुराना बड़ा भाई था वो भी भागे भूगे हैं, हम तो सोच ली नहीं, फिर ताशी बढ़िया तरीके से भाग गया है उसका अंदाज ये लगता। रोहतास ताशी जेल से फरार हुए हैं कभी कस्टडी से, पुलिस कस्टडी से? हाँ, आपके जो भाई हैं रोहतास ताशी कस्टडी से फरार हुए ना, अम्बाला से दिल्ली की तारीख थी तो रास्ते में फरारी होगी उसकी बहुत अच्छी तरह तो से। आप लोग शामिल थे उसमें? उनको नहीं, मैं दिल्ली में तो जेल में था, मैं तो काफ़ी कुछ जेल में कंटिन्यूस पड़ा रह गया ना, क्राइम मेरे स्टार्टिंग के ही सब 96, 97, 98, 99, 2000, उसके बाद तो एक दो क्राइम है बाद माने के बाद, मेरठ चौक पर करनाल एक ठेके पर पंचर फायर करे थे तो वहाँ पर 300 लग गई थी, संजय कादियान भाई था अपने साथ में केस में, तो बरी हो गया था भाई की वजह से, संजय की वजह से। तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ने कोशिश मन में कोशिश नहीं की जेल से पुलिस कस्टडी से कोर्ट पेशी पे दौरान या फिर जेल के अंदर से भागने की? हाँ हाँ, मैं अम्बाला से दिल्ली तारीख पे आया था तो दिल्ली से फिर वापस पेशी पर से अम्बाला जा रहे थे, तो रास्ते में मैं था दिनेश था 12 मुलाजिम थे, मैंने पेशाब का बहाना करके नीचे उतर गया, मैं हथकड़ी लपेट कर छुटवा कर धक्का धुक्का दे कर भाग गया, मैं 2 किलोमीटर सारा भाग गया, मैं वही 5-7 भाग लिए पीछे, भीड़ भाड़ ही थी वहाँ, वो लजगी कहानी वहाँ मैं पकड़ा गया, वरना मैंने तो ये प्रीतम आहूजा वाला सिस्टम है रुचि फूल लेनी थी। प्रीतम आहूजा जिनके जिनका मर्डर आपके भाई और कुलदीप कालवा ने मिलके किया था? हाँ। तो उस प्रीतम आहूजा का तो मर्डर हो गया था, तो उसके बाद फिर उससे क्या योजना थी आपकी, क्यों क्या चाहते थे? योजना तो बाहर आके ही बननी थी ना, अंदर रहते थे जेल में तो बने नहीं है, लेकिन बाहर आके फिर सोचा बहुत कुछ गहरे हिसाब से कि कुछ नहीं रखा क्राइम में, जीवन खराब है, फैमिली की तरफ ध्यान दिया, नाजुक स्थिति थी फैमिली की, तो उस हिसाब से भी कंट्रोल ही कराया, क्राइम बिल्कुल क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, करना भी नहीं है, फैमिली के साथ अच्छा सुकून मिला है तो क्यों ना अच्छा जीवन जीवा। तो जैसा आपने बताया कि सबसे पहले आपकी पढ़ाई छूटने का कारण रहा कि आपका लव लेटर आपकी जेब में मिल गया, तो हो गया था वो। क्या था वो पूरा मामला, क्या था मतलब? नहीं, पढ़ाई लिखाई में तो हम ठीक थे स्टार्टिंग में, बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आए थे, तो 10th क्लास में हो जाता है वो, तो लव लेटर जेब में था तो गड़बड़ हो गई, फ्लैंग ने फंस गया, वहीं से फिर पानीपतारिया कॉलेज में कंपार्टमेंट का पेपर देने गया मैं, तो दोस्ती ही में किसी का झगड़ा हो रहा था गाँव के दोस्त का, ये अपने गांव के लड़के थे, इनका झगड़ा था, हम साथ से ले गए, तो
वो एक मर गया, एक बच गया, वो कुंडू बच गया था बिठाने का, और वो बड़े का सरपंच का लड़का गुजर गया हमारे हाथों से। तो जब जब आपने जब क्राइम करते हो या क्राइम किए हैं, उस टाइम मन में कोई इमोशनल नहीं होते किसी को मारते हुए? कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आती कि नहीं यार क्यों किसी की जान ले रहे हैं हम? नहीं, जीत अपनी होनी चाहिए ना क्राइम में, उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए उसमें तो सफलता जरूरी है ना, उसके लिए सफलता के लिए तो कुछ भी करना पड़ जाता है, लूटपाट हो या मर्डर हो या कुछ भी हो उसमें। हाँ, झगड़े तक सीमित हो तो कंट्रोल हो जाए, आउट ऑफ झगड़ा हो जाए फिर तो डिसीजन लेना पड़ जाए ना जरूर। कुल मिलाकर इस अपराध की लाइफ से आपने सीखा क्या है? जिंदगी काफ़ी अनमोल कीमती है, और जो फैमिली है ना वो हमसे ज़्यादा कीमती है, उनकी हिफाजत के लिए हमने जीना है, और जो हम उनके लिए जी पाओगे तो फिर तो जीवन जीने का, उन भी जानवर भी वो जी रहे हैं पृथ्वी पर, तो फैमिली के साथ जियो जब तक अच्छा जीना, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही अच्छी लाइफ है। दुश्मनाई में तो क्राइम में घुसो बेवजह नहीं, दुश्मनाई भी क्यों लगा, अपनी तरफ से तो कोशिश करे कि भाई सबसे प्यार से जीवन जीने का को है, हमारी उनको भी सबको है, रोना भी चाहिए, किसी को परेशान करना गलत है। पहले नादानी में कर देते थे, धीरे धीरे समझ आई, और लाइफ तो बहुत ही अनमोल है, इसको अपने तरीके से जियो, आज़ादी के हिसाब से, गलत तो करना ही नहीं ना, किसी को ना शिक्षा दो गलत करने की, सबसे को बने हुए परिवार के साथ जीवन बिताओ, कुछ कमाओ, गुजारे लायक कमाना भी जरूरी है, ये नहीं ठाली पे डरो भी बहुत काम है जमीन पर पृथ्वी पर। तो अभी आगे तो फिर आप भविष्य में कोई क्राइम से संबंधित तो आपकी मुझे लगता नहीं कि कोई योजना होगी, और हम चाहेंगे कि आपसे ही लोग प्रेरणा पाएं कि इतना बड़ा क्रिमिनल है आज एक साधारण लाइफ जी रहा है और कुछ हासिल नहीं कर पाया, अपनी ज़िंदगी के 15.5 साल जेलों में खराब कर दिए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आप प्रेरणा ही दोगे आने वाले समाज को। प्रेरणा तो भाई देखिए है अपने हिसाब से, तो कि मतलब किसी को भी दुश्मनाई का पॉइंट तो खुद बनाओ इंसान, जो ऐसा ना करे तो कदम ना बढ़ावे, कोऑपरेट करे भी, कहाँ झगड़ा ना हो किसी बात पर, और घर की इज्जत आवरों के लिए हो जाओ तो चार मटर हो जाओ इकट्ठे, कोई बात नहीं है, बेवजह इंजॉय में तो गलत क्राइम करना वो गलत हो जाए ना। तो बहुत सारे और भी आपके दोस्त साथी रहे होंगे जिनके जो आज या तो उस टाइम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए या फिर गैंगवारी में मारे गए, उनका किसी के नाम आप बताना चाहेंगे? ऐसा एक अनिल भक्ता था अपना कुंडली से, वो भी अपना बड़ा भाई था, बहुत अच्छा था, सगे भाई की तरह रहते थे हम जेल में, दिल्ली भी अम्बाला भी, तो काउंटर में मारा गया। दिनेश भाई भी अपना काउंटर में मारा गया, कुलदीप भी, रोहतास भी, हमारे काफ़ी भाई ऐसे, सुरेंद्र जाक्षी था वो अपना बहुत ही क्लोजिंग था, वो भी मारा गया, कुछ हो गया था झगड़ाबाजी गांव में, कुलदीप कालवाई मारा गया, काफ़ी कुछ मेरे लाठिया सिल्लू भी अपना मित्र था, वो तो खैर आजकल ठीक जीवन जी रहा है, और गांव के साथी भी है मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, राजा है, दसी है, लीलू है, संजा फौजी है, हम बहुत ही भयानक थे हम 5-4 जने, छोटी मोटी बात माना, हाँ बिल्कुल छोटी मोटी बात माना थे हमने। तो ये रोहतास तासी की वजह से ही सिवा गांव में क्राइम का दौर आया, या उससे पहले भी? आजकल हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्राइम या क्रिमिनल्स जेलों में अगर बंद हैं तो सिवा गांव के हैं, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? सुधीर भाई साहब, ऐसा है पहले तो मर्डर वर्डर तो हो जाते थे गांव में, दुश्मनाई हो जाती थी आपस में, घर कुंबिया की वो बात अलग थी, तो क्राइम की स्टार्टिंग तो एक नर्सी हुआ है, तो काउंटर हो गया था, वो भी मार दिया था पुलिस ने, आपके गांव का ही नर्सी, वो गांव का था लड़का, वो भी उससे भी 10-12 तो उससे भी क्राइम की तरफ चले हैं। अच्छा, तो फिर उतास का गांव में झगड़ा वगैरह जो आया, जो स्टार्टिंग हुई है भी ठीक था, पहलवानी का शौक था, इन्हें भी कोई आया नहीं था भाई में, पहलवान था वो की रिपोर्ट थी, तो झगड़ेबाजी उसी से अपना इसने खाड़े में जाना पड़ा, वहाँ पर पहलवानी की अच्छा शरीर बनाया, जो गाँव का झगड़ा था आग निपटा दिया, वो फिर बाई चांस बच गए, था गांव का कोई झगड़ाबाजी भाई का, हम तो थोड़े छोटे थे उस टाइम पे, इतने छोटे भी नहीं थे लेकिन कमी उम्र थी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान था हमारा, तो उस जुनून में तासी ने भाई ने एक दो लड़के गांव के और थे, नरेंद्र था, पप्पा था, एक दो और था कुलदीप वगैरह, क्या नाम है, 3-4 उन्होंने मिलकर वही मार मोड़ दी, आँखी उक्की तोड़ दी, ईंट फोड़ दी, सिर में मार मार गो, बच गया फिर भी बाई चांस, चलो कोई नहीं, अच्छा बच गया, आज बच्चे पाल रहे अपने, वो बाद में फिर माफ़ी मांग ली उन्होंने, फिर वो छोड़ दिया रोहतास ने, ना यार ये ऐसे ऐसे तो पता नहीं 55 मार दो, एक मिनट में बर्स्ट मार दो, 57 का
चलो कोई बात नहीं हो तो ठीक नहीं हो तो गया भाई। बाकी नो है क्राइम के हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि इसकी तरफ सोचना ही फिजूल है। इसमें तो इंटरेस्ट भी नहीं ज़्यादा रखा है कि भाई हाँ मेरा मन करा है मैं उस साथी से मिलूँ फैमिली पिछड़ जाती है कई कदम लाइफ में, समाज आगे निकल जाता है, बहुत गलत हो जाए, मजाक बन जाता है जीवन का, तो गलत है। मैं ये कहूँगा भाई लाइफ अपना फैमिली के साथ बिताओ, कमाओ यार बहुत को कमाने को। मैंने पहले सोचा पहले लूटना खसोटना ये वो, घर का भी कुछ पैसा दिया नहीं, बस ये जेड़ वेड़े में लग गया, 15.5 साल बीत गए उन पैसों में, इतना है घर परेशान नहीं कराया, थोड़ा बहुत दिया भी है घर वालों ने, ऐसी बात नहीं एक आध बार। इतनी लूट आपने की तो आज तक टोटल अगर आपने काउंट किए हो तो आपकी लूट की राशि डकैती की राशि टोटल कितने लाखों में है या करोड़ों में रही होगी आपकी? मेरा टोटल बैलेंस बना है ज़्यादा नहीं है, बस एक तो 45 लाख की लूट थी, उसके बाद छोटी छोटी लूट हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई हैं, 4-4.5 लाख की हुई है, 2 लाख की हुई है, 1.5 लाख की हुई है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट बना 96-97 में हुई है। नहीं 99 की बात है, 98-99 की, तो जो है टोटल 69 लाख मैंने एक दिन एस्टिमेट लगा था, 69 लाख कुछ बने थे। 1900 कब से पहले तक? ये 98-99 की बात है, 99 तो मेरा एसटी हो गया था, तो उसके बाद तो फिर 7 साल कटे अंदर, आने के बाद छोटी मोटी लूट एक दो एक आध बार और की, वो तो छोटी थी उनका तो कोई नहीं, इंजॉय के लिए की थी, तो जो है वो टोटल 69 लाख थे, उनमें से मुझे ज़्यादा नहीं 5-7 लाख रुपए ही प्राप्त हुए, बाकी तो वहाँ चुलकाना दिनेश के गाँव में बिटोड़म टेक दिए पैसे हमने 30-35 लाख रुपए, तो लोग लेके गांव के निकाल कर चुलकाने के। अच्छा, अब दो थे वो साथी थे वैसे तो अपने माती वाती टोनी सोनी बहन जो, तो गद्दार निकल के पैसे बक्सा एक तरफ से उखाड़ गए और उसमें से निकाल के ले गए, वहाँ निकाल लिए, बाद में फिर वो बिटोड़े में खार के कट्टे में डाल कर टेके गोशे जमा दिए, 500 पुलिस की जिप्सी आ गई थी बुलन वगैरह ये उलाने पुलाने गए, उधर सब कवर कर लिया था संभाल का पूरा, हमने निकलना मुश्किल हो गया। तो दिनेश भाई बोला भाई ऐसा करो पैसे तो यहीं छिपा दो, बिटोड़े में छिपा दिए हमने, हम निकल गए, लाख लाख रुपए जेब में डाल गए, बाकी छिपा दिए, हम इधर उधर चले गए जुरासी वगैरह, वहाँ नाइट वाइट बिताई हमने, उसके बाद में फिर हम और आगे निकल गए दिल्ली, और 1-10 लाख की लूट थी वह करनी थी, उसके लिए निकले, वो अरेस्टिंग हो गई वहाँ पर कुंडली साइड में, एक तो मुखबर भी था साथ में, वो गाड़ी में बैठा था, पिस्टल ले रहा था यूपी का था, वो वैन जो स्टॉप करने के लिए बाद में हमारा साथी था गसवनी नरेले साइड को, गद्दार था बैंड ने मुखबरी कर दी, मैं सुरेंद्र बुआनिया जुरासी वाला राजेश, हम चारों अरेस्ट हो गए, अरेस्ट तो होना ही था, 10 लाख की लूट करकानी थी, वहाँ करका के एक दो ठोकड़ा पीटना था, कहीं काम थे ना, वो सब पेंडिड हो गए, 7 साल लगातार जेल में कंटिन्यूज बीत गए। जब स्टार्टिंग में अरेस्टिंग हुई उस टाइम पर तो इतना जुनून था कि मतलब भाई बहुत ज़्यादा जुनून था, और 7 साल में सब कुछ टूट गया, उसके बीच दौरान भाई भी गुजर गए, काउंटर हो गए, हौसला काफ़ी टूट गया, बाहर आया तो घर की स्थिति नाजुक लगी, परिवार के साथ ही मेहनत करके कमाने की सोची, थोड़े बहुत पैसे थे वो यूज़ कर दिए स्टार्टिंग में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में नेपाल चला गया, वहाँ सोने के बिस्कुट के लिए दे दिए 12-13 लाख रुपये, बहन वहाँ ख़राब हो गए, बिस्कुट तो आए नहीं, और लिया थोड़ा बहुत मैं सामान है ABCD वहाँ था, पूरे अब भी नहीं हुए हैं, वहाँ से लॉस में होगी कहानी, बस फिर तो फैमिली के साथ ही जीना है, 10 रुपये कमाने हैं, फैमिली को देने हैं, अपना एंजॉय हो जाए, अपना 10 रुपये अपना ठीक एंजॉय कर ले, अपना शांत जिंदगी परिवार के साथ, ऐसा अच्छा लगे। तो जैसे 10 नंबरी 1 नंबरी 2 नंबरी होते हैं जो लगातार किसी क्षेत्र में विशेष में जो क्राइम करते हैं, हमने तो 10 ही नंबरी सुना था, तो 20 नंबरी तक पहुँचने का मतलब कौन से सन में आप, या अब भी आप पानीपत के BC हो क्या? हो हाँ सुधीर भाई अभी BC हैं, 4 साल पहले 5 साल पहले करनाल थाने में था मैं, एक बार एक भाई के साथ रेस्टिंग हो गई थी मेरी, 47 लड़ा दी उन्होंने कमरे में आकर, बिस्कुट बर्गर खा रहे थे हम, तो उनको थाने में ले गए, वहाँ पर मैं वहाँ पर परेशानी दे दी हमको, और पुलिस वाला भेजा वहाँ से कि भाई पता करो ये कौन क्या चीज़ है, और पानी पता है थाने में पता करे तो BC है आपके बारे में। हाँ तो वो बुकिंग जो वैन में गया था वो वैन वाला वहाँ से निकल गया, वो अकेला रह गया SHO जो पूछने पूछताछ करने गया था, वो स्पेशल गाड़ी दूसरी करका आगे रुका मारे उन्हें थाने में, भाई ये तो BC है, ये तो भी BC है, कहाँ से फंस गया तुमने, कहाँ फंसे ये, तो जो दूसरा भाई था वो तो छोड़ दिया था, पापा आगे थे, तो बाद में फिर मेरे को चटवा दिया भाई ने, अच्छा भाई हो। जेलों में क्या हॉबी रही, अब क्या आपकी हॉबी है, हॉबी क्या है? हॉबी देखो मैं वॉलीबॉल अच्छी खेलता था, फिर पैर में राड आ गई, एक एक्सीडेंट हो गया था कार एक्सीडेंट, और कैरम में ज़्यादा खेलता था,
एक बार भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा पेपर जो स्टार्टिंग में पढ़ लेता है मुझे एनर्जी होती है, मैं स्टार्टिंग में मैं पढ़ता हूँ, फिर पब्लिक पढ़ो, को घिसता थोड़ी ना, फिर पब्लिक स्टार्टिंग में खबर खुद पढ़ाना आदमी, मतलब आदत आपकी ये है कि अगर परेशानियों के लिए मैं दे देता हूँ, जेल में अगर अखबार आया है तो सबसे पहले आप पढ़ें, हाँ कोई दूसरा पढ़ेगा तो पहले कोई दूसरा पढ़ेगा, रास्ते में बेवजह बैठ जाते हैं, जो पेपर आता है ना रास्ते में ले लेते हैं, 2-3 घंटे 12 बज जाते हैं, फिर खाना खा के सोना ही होता है, दोपहर बाद मिलता है एक दो पेज मिलता ही नहीं, गायब हो जाता, तो वार्निंग हो जाती है भाई ये अंग्रेज के नाम से है, जैसे अब कुछ आती है हमारा रोटी वाला उसके नाम से, ये पेपर रास्ते में नहीं रुकना चाहिए, डायरेक्ट फट्टे पाना चाहिए, कोई रूल हो जाए, मतलब साफ सफाई और काफी, हाँ बिल्कुल अच्छा, 50-60 आदमी होते हैं जेल का, पॉइंटिंग ऐसा है वहाँ पर साफ सफाई रखनी जरूरी है, कोई ना रखो उसको बोल दे, अच्छी बात है सफाई रहेगी, पुलिस ऑफिसर भी आवा है तो देखते हैं। आपका जो फेवरेट गाना तो जी जिंदगी तलाश में मौत के कितने पास आ गए हम, ये अपने भाई रोहतास का फेवरेट था, वो लेटरों में लिख के भेज देता था मेरे पास, मैं अम्बाड़ा जेल में होता था, वो गुड़गांव जेल में होता था, पुरानी गुड़गांव जेल थी जो है, जाता था मैं वहाँ पे, बाहर होता था बाइक पर, राजदूत थी मेरे पास, मुलाकातें वगैरह कर लेता था मैं, अलग ही अंदाज था रोहतास का, सफेद पड़ना सिर पर लंबे बाल बैंजनू, अलग ही अंदाज था, गांड फट जाए मतलब 10-20 आदमी है कि तो बेवजह ही खड़े खड़े में देख लो, दो बनू हाल गया ना कुर्ता ऊपर से नीचे कर दिया काफी था बैन, उस टाइम मोबाइल नहीं थे वरना उसकी वीडियो फिल्म बनती है देखते हम, उस किसी में कैसे टैलेंट, किसी में उसमें अलग ही टैलेंट था, मतलब जो चीज़ करनी तो करनी है, उसके लिए पीछे तो हटना ही नहीं, कई वारदातें ऐसी की मैंने रोहतास ने प्रदीप ने, मैं इन मान जू तो मैं यार ये सफल होगी वारदात, फिर मैं जजमेंट लगाऊँ, मैं एक दो भाई सगे हम, प्रदीप भी हमारा जिगरी है, तो हम तीन ऐसे हम छोड़ के नहीं भागते आपस में, तो भी एक जुनून है एक हौसला होता है, तो ऐसे बड़े झमेले जीवन के, फिर कोई अविश्वास पत्र दोस्त साथ में क्राइम करते हैं ना, उनमें एक तो छोड़ कर भाग जाए, दिल्ली वाली वारदात में एक तो अच्छा सामान ले रहा रिवॉल्वर सट रहा था, एक नहीं लेगा क्या कहना उसका भी, पता नहीं जीवक मर लिया, मेरे तो ध्यान भी नहीं है, 20 साल हो गए वतन, 19 साल हो गए भाई वतन, तो जो है वो क्या कर रिवॉल्वर दे रखी उसको, मैं गाड़ी में आधा घुस रहा दूसरा बक्सा निकालने के लिए, वो वहीं खड़ा है आइटम सॉन्ग सुन रहा है, मैं वह तो तू वारदात में शामिल हो साथ माँ, तो जुनून ऐसे हो, मैं गाड़ी लेके भाग लिया, एक बक्सा गिर दिया मैंने निकलवा के, फिर मैं दूसरा निकालने लग गया, दो बक्से थे, वो गाड़ी लेके भाग लिए, बनिया वह जो फायर कर रहा है कार के पीछे बैक साइड में खड़े हो गए, मैं अपनी रिवॉल्वर ले रहा था, मैंने दो फायर कर दिए थे स्टार्टिंग में, चलती मत कूद उल्टा मुड़ लिया था मैं, तो मैं बक्सा खींच फटाफट चल गए, वो बेहोश हो गए थे साइड में, पटड़ी का खड़ मार दी थी उनकी, 100 की स्पीड में बढ़िया साइडिंग मारी, इतना ओसास आया, इतना एक बक्सा काट लिया था हमने, रिवॉल्वर ले रहा था हमने, पता नहीं था रिवॉल्वर भी ले रहा है, वो गाड़ी के बैक साइड में खड़े होकर चल लो फायर करने लगे, वो कार लेके भाग गया, मैं दूसरा बक्सा काट लिया, मैंने देखा मैं कहाँ गए यार, वो तो कार लेके भाग गए, सुरेंद्र पोनिया मेरे पास खड़ा था और जो जगता ड्राइवर था वो ही ठहरा पूरी शब्द नंबरी, और मैं कार में तो उल्टा लिकड़न लग गया ना, मेरे सिर में मारने की कोशिश में गया ऐसे करके, लेकिन सुरेंद्र ने पिस्टल जो है मारी को गोली चेस्ट में लगी, वो मेरी बराबर में ऐसे ईंट समेत पड़ा, मैं लगा सुरेंद्र ने मार ठीक हुई, वो कार लेके भाग गए तीन लड़के, तो सुरेंद्र रह गया उड़ा खड़ा, फिर भी अकेला बोने का था पहलवान सोरा नु सही सही अपना जाट भाई ठीक, तो जो है आज भी है, लेकिन क्राइम करना ही चाहिए ना, ज़्यादा मोटापे में आ गया और क्राइम का शौक रखता हुआ, बाकी ठीक है उसको हेलो अपनी भाई को। हरियाणा के तो कौन कौन से बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जो आपको जानते हैं या आपके साथ जेलों में रहे हैं या जिनसे आपकी दोस्ती रही? काफी तो मर चुके हैं ना, अपना अनूप है, कृष्ण है, अनूप मित्राओ है, कृष्ण तिचाओ वगैरह है, इनसे बच्चे से मिलजुल रहे हैं, मेरे दिनेश के रोहतक जेल में था मैं, वहाँ हड़ताल में ट्रांसफर हो गया था रोहतक जेल का मेरा, तो वहाँ पे कृष्ण जी मिले हमने, हमारे बड़े भाई थे दिनेश, साथ में बैठते थे हम भी बैठते थे, तो ताश वाश खेल लेते थे, मैं बैठा रहता था, मैं अपने सुल पर बीड़ी बेड़ी जो पीनी थी वो पी लेता था, धूम्रपान करना होता है, तो जो है और भी हैं दिल्ली जेल में, और भी काफ़ी मिले हमने, और अम्बाड़ा जेल में, सोनीपत जेल में अच्छे महेंद्र क्या बोलते हैं नहीं, जसू जसू मेहंदी प्रिय वगैरह हलाल प्रिय सिस्टम उधर के भी अच्छे रहे हैं, और अपने इधर अम्बाड़ा के करनाल के तकरीबन ही दोस्त आस पास के रोहतक के यूपी के भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र हैं, लेकिन वही बात है जब क्राइम नहीं करना तो क्यों मिला, उनमें से मान ले 20-25 भी हैं, मैंने अपने मित्र सीनियर भी हैं इनमें से काफ़ी, बिट्टू है अपना, तो जो है मिलने का दिल नहीं करता क्योंकि क्राइम नहीं करना, हुआ आजकल वो बिजनेस में है, इतना पैसा है नहीं कि हम ज्वाइंटिंग हो जाए जैसे भी, नहीं ठीक है वो अच्छा जीवन जी रहे, हम भी अपना खाना पीना दो रोटी खानी है वही अपना खा रहे हैं कमा रहे हैं जैसे भी ठीक है, शांत जीवन है तो अच्छा ही है, वो भी क्राइम में तो शायद फिलहाल कोशा है नहीं,
सोनू भाई बाहर आऊंगा, राजनीति की इच्छा रख रखे हैं, मैंने सुना था रख रहे हैं काफी राजनीति की तरफ झुकाव उसका घुसेंगे वो, ठीक अच्छी बात है। अपने से मालगढ़ से पिन्ना पहलवान जी हैं, बड़े अच्छे भाई हैं अपने, बड़े मित्र हैं राजनीति में सारे, अब जो विधायक का टिकट कैसे कह रहे थे, मैं ठीक है जी रुचि ले लेंगे। जेल में ही मर्डर कर दिया आपने, आप ऑलरेडी जेल के अंदर हो, जेल के अंदर ही आपने मर्डर किया, वो क्यों और क्या वजह रहती है? कोई दुश्मनी इस गैंग, हमारी कोई दुश्मनी थी उसमें भाई, आप लोगों की गैंग का किसी आपके विरोधी गैंग राइवल गैंग नहीं थे आपके कोई उस थे, लेकिन ऐसा है वो गैंग जब तक ही सीमित रखे गए हमने, जब तक भाई बड़े अपने जीतते रहे, उसके बाद में कंट्रोल होने के बाद तो फिर वही बात है कि चार्ज संभाला नहीं किसी ने तो सबको बिखर गया, तो वही बात है हम उनको परेशान नहीं करेंगे, वो भी नहीं परेशान करेंगे, हमको भी कुछ अटैकिंग ले लेंगे तो भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी अटैकिंग ले देंगे बहुत अच्छी वो कोशिश होगी नहीं दोबारा, लेकिन हम चाह नहीं रहे हैं अपने जीवन अपना प्यार से फैमिली के साथ बिताने की इच्छा अपनी, और तो कोई गलत भावना फिलहाल है नहीं मन में, लाइफ पड़ी है कभी कुछ हो गया तो पीछे भी नहीं हटना है। आजकल जो ये बदमाशी के गाने जो आ रहे हैं इनको देखकर मन में होता है कुछ? ना नहीं, हो ये कोई गाने थोड़ी ना, क्लासिक गाने होते थे पहले के सुनने के, ये कोई गाने थोड़ी ना है, रुख का मारना हो हा करना ये तो सुनते भी नहीं भाई हम, इनको तो सुधीर भाषा भी तो इनको बैन कर देना चाहिए, इनसे आजकल युवा है जो गैंगस्टर जो सॉन्ग हैं उनको देखकर भी क्राइम में घुस रहे हैं, क्या इनको बंद करने के हक में ना है? कुछ नहीं, थोड़ी अकल आ जाए, आदमी क्राइम में घुस जाए दो चार साल अंदर बिता दा है, एक आधा कंट्रोल जाए है, एक आधा मतलब मेरी तरह अपना शांत जीवन बिताने की सोच ले है, एक आधा घुसा ही रहे तो समुंदर है, कोई पार हो जाए कोई बीच में डूब जाए तो गलत ही है, अपना जो लाइफ का रास्ता है वो फैमिली के साथ में है, उससे अलग तो जीवन बेवजह का, जीवन में आए तो फैमिली के लिए ही कुछ करना है, उनको संभालना जीवन भर वो जिम्मेदारी है, असली मर्द को तो वही है ना। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक।